अब गामाई रामलीला, रामलीला में रावण हो जो बहुत हट्टो कट्टो, जीरो वजन लगभग कुंटल नेडो, हाँ मोटी मोटी मूछिया सजनो, दो चार दिन रामलीला चली, समय जो गेड़ो वो जगह रावण पड़ता जगह कोई नानी गए दादी एक्सपायर होगी, बो रामलीला छोड़ गयो मैं तो छुट्टी मत जाऊँ पांच सात दिन, मारे नानी घी फ्री गंगा जला। अब रावण घी प्रो दिन मोटो रोल रावण को ही वे जोकर बनाने गए तो कहीं टोल किया कोई नहीं उबो कर दे टीकी टोपी लगा जोकर तो कोई बन जाए, रावण रावण बूतो भी सही जाए, रावणी बोली भी दबंग सही जाए, रावण रोल कौन करे रामलीला ना बड़को टेंशन के रावण को रोल कौन करी अर्नो कोई हलवाई जी हाँ मोटी मोटी मूछिया रामलाल जी नाम मोटी मोटी मूछिया लीली बहनों क्यों बता हलवाई आप रोजी ना ठोकता आप बोलता हूँ घर कोई हलवान घर का ही जिमणिया डीलो शैतान उयू कर परान गांव वाला कियो भाई दूजो तो रावण कौन बने गांव में तो हेम ठाकोड़ा है एक रामलाल जी हलवाई कह जगो बीर अबार नितरी फागण को मीनो इतनी चवरिया है कोनी वो थारे पांच आ दिन रावण वाली घड़ी काट सके रामलीला जार कहो भाई अच्छा एक मिनट बैठ जाओ पीछे जाओ रामलीला कहो रामलाल जी राम राम बोले राम राम मारे राउंड पड़ता जो करे दादी कहने नानी की प्री वो घर की प्रो मारे दो चार दिन थाना घड़ी काटनी पड़ी बोले कहीं कर लो अरे थाने राउंड बन लो रामलाल जी कह रहे केड़ी करी भगवान राम जी तो मिनक बनाए पड़ते हैं मारे नहीं राउंड बनाए दे बोले थाने जती दाड़ी और हलवाई में मिले भाई 200 रुपया एक्स्ट्रा बोले 500 देवे बोले हासो पण भाई राउंड का डायलॉग मोटा गणा ने ए चोपाया माऊ बोली जाला कोनी मिनका में बोले थाने की नहीं बोल लो बाबू बैठ जा लो बाबू हाँ बैठ जाओ टेक योर सीट हाँ बैठ जाओ हाँ बहुत बहुत धन्यवाद है आपके हाथ में ये चीज शोभा नहीं देती है ना क्यों आपकी उम्र अभी नाबालिग है हाँ ये धूम्रपान निषेध एरिया है ना बैठ जाओ बालाजी रोजागना है बोले मारू डायलॉग नहीं बोली जे मैं रामलीला की हो राम रावण जी रो डायलॉग की नहीं उठे खाली एक ही करनो हनुमान जी पूछेला कौन जन थाने इतो ही करनो ही हा लंकेश मैं जोरू दाखिल ठोके तो बोले कौन ही हा लंकेश लंकेश गया लंकेश गया बजे धान रहा उठे तो कोई चिड़ी कबूड़ो वे तो उठ जाए लंकेश को तो मोटो हाको वे मोटो ही हंसो वे बोले ठीक है। अब रामलाल जी ने रावण बनाए परान मोटो मुगटो हाथ में घोटन में दे दिया और रावण वालों हरिचंद्र फेरा परान उबा गिर स्टेज माता गाँव अकड़ो तक बैठो है रामलाल जी हवाया हा हनुमान जी रामलाल जी 62 किलाड़ तो हनुमान जी बनियोड़ 74 किलाड़ आओ हनुमान जी कने मोटो लियोड़ो घोटो दो एक दी मोरा में बाल कौन किया लंकेश अब सजनो रिपिया हाशो में खुली दाढ़ी खोल ली दो एक तो मोरा में खाई क्यों रिपिया हासो दे पर रामलाल जी ने ठाकुर ने स्टेज में ले जाए नहीं उठे मोर भांगे कड़ा हड़ा रिया बोले ही हा लंकेश दो एक ठोपी और बुद्धि में बोले कौन बोले लंकेश हनुमान जी की ओर बैठो हाथ बोले कौन अरे दो चार और फिंचा में ठोकी क्यों बोले कौन ही हा लंकेश हनुमान जी की यहाँ ताबा आवेगा लेपरी दो कनपट्टी में यार क्या रामलाल जी मुगटा फूटा फेंक परान क्यों ठोकर की जरूरत कौन नहीं रामलाल हलवाई हूं मुझे 10 बार कह दियो लंकेश लंकेश अब रामलाल हो थारू वेजो कर ले हाशुरी में बुढ़िया एडो मैं तो कह दू बालाजी ने मार पड़े दिन चौका चौका हाथ बोले साहब सनी तो घनी मोटी बात है इसलिए बालाजी के दरबार में कभी झूठ नहीं चला साथ चला कर जरा बालाजी का नाम संकट मोचन कहीं भी याद करो कटे भी याद करो किनी जगह याद करो किसी भी बार ने बुलाओ बालाजी कभी भारती थी कौन देखे आज तक सुनियो कटी बालाजी रो बोपो है हिंदुस्तान में कहीं भी बालाजी रिछिया नहीं आवे सब मोटो परचो बालाजी रो ही जाए सब देवता रा बोपा मिलेला थाने पर बालाजी रो बोपो है ही कोनी ये जगटी वेला कोई तो समझ लीजिए बा कोई मोटी दुकान है बिना टिन नंबर आगी ठीक बालाजी रिछिया नहीं आया करे बालाजी को आवे इष्ट बालाजी को इष्ट आया करे बालाजी की कभी कोई ने छिया नहीं आवे शास्त्रों में लिखा है कि बालाजी चिरंजीवी देव है इनके कभी भोपा नहीं बैठता अरे कही कही अब धरू वेगा कौन पूछे जी हाथ कमारा आका दिया हाथ में थारी भैंस ब्याज जाए ओ हो हाथ दड़ो भैंस ब्याज जाए बोरी तगड़ी घर में भरी पड़ी इतना तगड़ा ब्याज जाता अगली बोरी उठो 1 किलो गहूं लाया यार बे बाबूजी ऊपरा कर काट फोटो ले भैंस के खूंटा का नाग दे तार दिना रो कदी घाटो ही कोने में रोजी ना भरनी लीटर डेरी मत रहो तो भी रहे हा दाणो कदी भलो उनाळो कोनी कई विया करे एक भाई साहब आ कोई नागोर दिगला मारा नो मेर तक नो कोई ट्यूबवेल करण जो एक भाई ने लेर गया मोटी मोटी सट बजड़ी क्यों कौन है के ट्यूबवेला में पानी बतावे क्यों कता फुट की गारंटी बोले 400 फुट इन चार लेनी पानी की गारंटी घोड़ा रो भूचड़े जो पानी पे है बताया मजे एन एड़ो नारेड़ घुमावे मंगरा में पानी निकले मांगे एरिया डोगरो आयो क्यों कता रिपे ले बोले रिपे ले 10,000 यार 400 फुट मंगरा में तो पानी बताऊं
मीठो घटक पालर बाबा ने टूबेल कराणी बाबो छे 10,000 में मैंने ले गयो। डोगरी पूछियो कूड़े हो यहां समुड़ी रे पैसा है कूड़े हो बोले बाऊजी है बाऊजी ए अपने टूबेल रो नारियल फेरी बाजोट मा तेरे बाजोट मा नारियल फेरता है टूबेल में 400 फुट री गारंटी जमीन में पानी बतावे। डोगरी वे नागौर जिला री इको पीरो मेड़ता तहसील में डोगरी कियो कतर रुपया में ले आए ने एन कतर रुपया री हीक देव बचे कि 10,000 की। डोगरी कियो डोगरो घर धोई धोलो कर दियो 10,000 हाव फोगटरा एन कने कोई लाव कोई लकड़ ओ हाव ठगारो मोटो बोले नहीं पानी बतावे क्यों थे जाओ भैंस ने क्यों चारो थे चारो न कर जाओ मुआन रोटी जिमाऊ। अब डोगरी बढ़िया बनाओ एक किला बाजरी को आटा को होगरो होगरा ने बढ़िया खीरा माते साहब कचोरी उपसा बजी उपसा हो होगरा ने उपसाई पर होगरा री कोर तोड़ कोर के नीचे पाव घी गाल दियो पाची कोर ने चेप यार होगरो रख दियो थाली के माए यार बाबूजी ने कहे रोटी जिम लो। अब बाबूजी साहब हुकोड़ो होगरो पापड़ी तो उभरू हुकोड़ी क्यों घी तो नीचे हो बाड़ा में 3-4 पाड़िया दौड़ता बाबूजी विचार कर रहे 3 पाड़ा दौड़े भैंसे 4-5 दौड़े इतनी भैंसे दौड़े होगरो ना क्यों हुकोड़ो यार फिर भी करावनी टूबेल बाबूजी छिजड़ी पड़े जो बेड़ा बेड़ा भी है। डोगरो आयो जिमो कने बोले साहब हुकोड़ा होगरा मैं कभी नहीं जिमा टीपरी 2 टीपरी घी गालो माते तो होरो जिमा यार क्या डोगरी महिला पाड़ू बा भोंगली ले रही छोला को तपियोड़ी क्यों के बात लाया थे बाबू के टूबेल में पानी बताई 400 फुट जमीन में क्यों पानी मायतारो कर्म बताई पापरी नीचे आधो किलो घी पीड़ी जो कदा रदी कहीं को जमीन में पानी कर दी तो हरो बाप मोटो ठगारो ठगारो लूट ले जाए 10,000। ये दुनिया में दुकान घनी चले दुनिया हकीकत भोजी साहब है विश्वास करिया बैठा मिंदर माते जाना छोड़ दिया यार थैली में गली उड़ा आका एक लियो नारियल माते सोरी बिया बाबू जी घर में हो रही कोनी तू कमाओ तो टको ही कोनी हो रही भाई दूं भाई धनी लोग ही रोजी ना घर में दांतिया करो कुत्ता लड़ो जो लड़ो हो रही कटूं भाई छोरो थारो कीड़ो कर नहीं छाने छाने भाटा में गली उड़ी मिराज खावे हो रही कटूं भाई क्योंकि संस्कार आपा खुद भूल गया बूढ़िया ना संस्कार घर में बंद कर दिया और आपा टीवी वाला मोबाइल वाला संस्कार घर में चालू कर दिया तो सन्नो घर में हो रही उनाली आज कितनी हो रही है क्योंकि बालाजी के बीच में अपन चोकर बीच में बालाजी ने जागना है अपरमिता परमात्मा की कृपा है। एक वजन में और लिखे बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और बहुत बड़ी खुशी की बात तो आ है कि अपने अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है और एक अबार मिशन भी चल रही है घर घर संग्रह आप रटे भी पुगियो वेला आयो के समाचार आज आए चंद दिनों में तो सीता भी इससे लगभग 400-500 जना बैठा हो। अयोध्या राम मंदिर के वास्ते जितने भी चंदो ले आवे जरूरी है कि अपन 1-2 लाख देर अपनी समर्थ अनुसार चाहे 10 रुपया भी दो अयोध्या राम मंदिर में अपना एक पत्थर बटर लागना चाहिए ताकि अवनाली पीढ़ी भी याद करे अवनाली पीढ़ी भी याद करे कि मारा दादाजी रो राम मंदिर में 1 रुपयो राम मंदिर चाहो तो एकली पार्टी भी बना सके भारत में अडे लखपति करोड़पति खरपति लकड़पति बैठा अरबपति बैठा पूंजीपति बैठा बेचावे तो एकला सोनारो मिंदर बना सके अयोध्या में लेकिन नहीं संतों ने सनातन धर्म संस्कृति को चलाने वाले संत महात्माओं ने एक विचार किया कि क्यों ना एक एक गरीब आदमी जो फुटपाथ पर बैठो भी को भी एक एक रुपये भेड़ो कर अयोध्या राम मंदिर में लागे ताकि अवनाली पीढ़ियां याद करें कि भारत में सनातन धर्म अभी भी जिंदा है पूरे हिंदू समाज ने इकट्ठा होकर इस मंदिर को बनाया है इसलिए एक एक रुपयो भी आप इकट्ठो कर एरवट अयोध्या राम मंदिर तक आप भेजियो। आपने बहुत बहुत साधुवाद है रात मेरे जागरण जेतन कर बांजा गुड़ी गांव माफ करना अरसलाई गांव में था 11.25 लाख रुपया राम मंदिर वास्ते भेजाया एक रात में तो आप लोगों का विचार भी है और मानस भी है जटे भी आपने कोई कहे राम मंदिर वास्ते माता बहनों आपने भी निवेदन काको 10 दिया तो थी 20 दे दियो ताकि छाती ठोकर कह सको कथे कहीं बोलो अयोध्या बाटो मारो हाँ ताकि घुमा उन्हें दोहरा ली जाए मिंदर बढ़िया बजे हाँ। अबे कई लोग किया करे कलयुग है लोग धर्म भूल रिया धर्म नहीं भूल रिया अब धीरे धीरे धर्म भाव जाग रही हो अब धर्म जाग रही हो क्योंकि अपारा लोक देवता अपने पाचा याद आ रहा है इसलिए प्लीज अपने लोक देवताओं को ना भूले बालाजी महाराज बाबूजी महाराज तेजाजी महाराज गोगाजी महाराज जुजार जी महाराज।